विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद गुरुवार को 4 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की शुक्रवार सुबह की दिनचर्या पारंपरिक रही। हमेशा की तरह मंदिर परिसर भ्रमण, गुरु गोरखनाथ ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ, ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा के समक्ष दर्शन पूजन के बाद उन्होंने गो सेवा की, साथ ही श्वान, कालू व गुल्लू को दुलार किया। इसके बाद शुरू हो गया लोगों से मुलाकात का सिलसिला। सीएम योगी को प्रचंड बहुमत वाली जीत की बधाई देने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। मुख्यमंत्री ने एक एक कर लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार कर ऐतिहासिक जनादेश के लिए आभार जताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार सुबह आवास से बाहर आए तो सर्वप्रथम गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन पूजन कर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर जाकर आशीर्वाद लिया। उसके बाद मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए गौशाला पहुंचे। उन्होंने गौ सेवा करते हुए गोवंश को गुड़ एवं चना खिलाया। गोवंश उन्हें अपने बीच पाकर भाव विहल नजर आ रहे थे, मानो वे भी अपने अंदाज में जीत की बधाई दे रहे हों। इसी क्रम में वह अपने प्रिय श्वान कालू एवं गुल्लू के पास पहुंचे और दोनों को खूब दुलारा। इसके बाद सीएम योगी ने मठ के भूतल पर स्थित कक्ष में लोगों से मुलाकात की। उन्हें चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत की बधाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। किसी के हाथ में बुके था तो किसी के हाथ में मिठाई का डिब्बा या अंगवस्त्र। मुख्यमंत्री ने एक एक कर सभी से मुलाकात की, उनकी बधाई स्वीकार की, प्रचंड जनादेश के लिए आभार व्यक्त किया और कुशलक्षेम पूछा। खाएगा और खाएगा।